हेलो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और आज हम जो एपिक गेम्स के ऊपर रिएक्ट करेंगे, पहली गेम है हमारे पास द स्प्लिंटर सेल गोस्ट रिकन, जो कि 2017 के अंदर लॉन्च हुई थी। और दूसरी गेम होगी द स्प्लिंटर सेल ब्लैक लिस्ट, तो ये जो है 2013 के अंदर लॉन्च हुई थी। दोनों के डिफरेंट मतलब दरमियान में ज़्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 4 साल का डिफरेंस है। तो दोनों के ट्रेलर होंगे बेसिकली, तो उसके ऊपर हम रिएक्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गेम की शुरुआत हो चुकी है। ओ स्टोरी को काफी अच्छे से डिफाइन किया जा रहा है। क्या व्यू है ब्रो, यही अपना हीरो ढूंढ लिया। आई एम अ गोस्ट, एन एलीट सोल्जर। Trained to strike my enemies before they know I exist. Nice. Death stalks me. Oh, chaku. But I survive. एक बंदे को ठोकने के लिए इतने सारे बंदे यार, मतलब सोचो क्या लेवल होगा बंदे। Overcoming any obstacle. डिटेल काफी अच्छी है, स्टोरी लाइन काफी अच्छी है, और काफी मतलब अच्छे से डिफाइन किया जा रहे हैं। ये बंदा इसके पीछे पड़ा हुआ है ना गोस्ट, ये नहीं छोड़ रहा भाई। लेवल इसका भी है। And with my brothers and sisters at my side, there is no fight we fear. अरे ये बच्चे को यार, ये बच्चे को मारने के लिए पूरी फौज है, मतलब लेवल है यार, पूरी बड़ी जबरदस्त तरीके से बताई गई है। ओके कौन आए हैं? वी आर गोस्ट्स, वी आर अफ्रेड ऑफ डेथ। So when you take the life of my brothers, when you provoke me, it doesn't matter how powerful you are, I will burn your world to the ground. I'm a ghost too. I would expect nothing less. ये बाबा तबाही है, दोनों गोस्ट है और आपस में लड़ रहे हैं, तो काफी अच्छे से डिटेल दी गई। अब जो है ना हमारी बारी होगी द ब्लैक लिस्ट के बारे में, तो देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान में क्या डिफरेंस है, कितना बड़ा। ओके जेंटलमैन, द ब्लैक लिस्ट इज रियल। Rogue intel agencies like Third Echelon are the problem here, not the solution. I want every single operation related to them grounded and gutted now. ये भी कहीं ऑपरेशन ही कर रहे हैं। शुगर इसके अंदर कोई किसी के पीछे तो नहीं पड़ा, मतलब पड़ा तो है। ओके इसके अंदर बंदा चेंज है, आई थिंक सो कैरेक्टर हमारा चेंज है इसके अंदर। कैसे ब्रो, कैसे अकेले ने मार दिया, छुड़ाने आए थे इसको।
सही तरीके से मारा है वैसे, मज़ा तो आ गया काफ़ी। रॉकेट लॉन्चर, ओह रॉकेट लॉन्चर, नहीं नहीं But I need options. Graham. The closest exit point is the roof of the south wing. सेल काफी अच्छी थी इसके अंदर भी, लेकिन इसके अंदर स्टोरी नहीं है कि बंदे को मतलब रेस्क्यू करना है तो उसे ही बचाना पड़ेगा। वही बताया गया इसके अंदर, ज़्यादा कुछ है नहीं। कुछ फाइट वगैरह है, फाइट तो उसमें भी थी लेकिन इसके अंदर किसी और तरह की थी। Welcome to fourth echelon. गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वैसे तो मुझे गोस्ट रिकन की जो स्टोरी थी कुछ ज़्यादा अच्छी लगी, और जो फाइट वगैरह सीन थे आई थिंक के ज़्यादा अच्छे ब्लैकलिस्ट के अंदर दिए होंगे, लेकिन खैर जाहिर है दोनों के अंदर डिफरेंस भी है तो काफ़ी कुछ चेंज किया गया है। लेकिन आपको क्या अच्छा लगा मुझे ज़रूर बताइए कमेंट के अंदर।